गाइस चेंज कर लिया, ये वाली साड़ी पहनने वाली मैं सिंपल सी, बिकॉज पूरी रात है, इसको भी सुलाना है। तो वेलकम टू योर न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। यहाँ पे आज है माता का जगराता, ठीक है, नवरात्रा चल रहे हैं, आज सेवंथ डे ऑफ नवरात्रा है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। शाम हो रही है, ऑलमोस्ट 7:30 या 8 o'clock कुछ हो रहा है, और खाना बन रहा है अभी। तो जो लोग आए हैं मंडली वाले वो खाना खाएंगे, और जो भी कुछ गेस्ट हैं वो तो खाना खा रहे हैं अभी। कहाँ जा रहा है बेटा, आ जाओ, जल्दी आओ। तो अभी बस मंडली वाले आ गए, और पीछे मौसी वगैरह है, नानी है, तो सब खाना खा रहे हैं अभी। खाना खा के फिर 10 बजे के आसपास स्टार्ट करेंगे सब, और जब एक बार सब सेटअप हो जाएगा ना, तब मैं इनका इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगी कि कौन कैसा कैसी मंडली है, और इनकेस अगर यहीं पे आसपास आप करवाना चाहते तो बहुत अच्छा, जब दिखाऊंगी ना शॉर्ट्स आपको तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा गाते हैं और कितना एकदम वैसा माहौल हो जाता है। तो आप अगर चाहो तो इनको रेफर कर सकते हो, तो आसपास ही है। बाकी जब स्टार्ट होगा तब हम सबका इंट्रोडक्शन देंगे। तो सब आ रहे हैं धीरे धीरे करके, गेस्ट वगैरह और सब। तो मौसी या नानी आए हैं सिर्फ अभी, और मंडली वाले हैं, तो सब खाना खा रहे हैं, फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ सब अरेंजमेंट हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सब हो चुका है, बस लोग आने बाकी है। पूरा स्टेज सेटअप कर रहे हैं ये लोग अपना पहले। तो अभी तो स्टेज सेटअप कर रहे हैं, उसके बाद में सब स्टार्ट होगा, धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट होंगे कॉलोनी के। मैं जस्ट साउंड के पास खड़ी होके ये आपको बोल रही हूँ, आवाज भी नहीं आ रही होगी। तो अभी दिखाती हूँ मैं क्या क्या, अभी तो ज्यादा लोग नहीं आए हैं। स्टार्ट हो गया है, 5 भजन होने के बाद में आरती होती है। तो अभी जस्ट आरती खत्म हुई है, और अब उनका जो मंडली वाले हैं उनका सबका स्वागत करते हैं, कुछ माला पहना के या फिर कुछ माताजी की चूनर और ये सब उड़ा के। तो अभी बस ब्रेक ही हुआ है उसके बाद में, और सब लोग अभी कुछ वॉशरूम ब्रेक और इनके लिए गए हैं, तो बस उनके आने का वेट हो रहा है, एंड देन फिर उनका स्वागत करेंगे, फिर पूरी रात कंटिन्यू होगा। अभी ये तो कैमरा एक्चुअली मैंने वहीं पे कैप्चर करने को लगाया हुआ है, बाकी सब कुछ इसी में कैप्चर करते हैं। और आप भी देखो लाइव मेरे साथ में कि कैसे हमारे यहाँ पे जगराता होता है, जागरण होता है, और कितने किस तरीके से, कौन सी लैंग्वेज में, और कैसे भजन संध्या होती है, ये सब आप देखोगे अच्छे से। अब चालू हो गए हैं वापस से भजन ब्रेक के बाद में। कुलदीप
पानी वगैरह इधर बैठ के सब लोग रिलैक्स करने आ गए, ब्रेक चल रहा था तो। भाई वो बंद वाले बोले तो आप तो कोई भी बंद वाले ला रहा कि ला रहा। अगला कलाकार हमारा भाई कुलदीप भैया, आपको मीठी मीठी बातों से रिझाएंगे। जो भी माता रानी को बिल्कुल मानता है, बिल्कुल सीधे सीधे दोनों हाथ खड़े। कौन कौन माता रानी को मानता है? अरे चांदी की चौकी पे बेटी जगदम्बा महारानी, चांदी की चौकी पे बेटी जगदम्बा महारानी।
5 बज चुके हैं, आरती का टाइम हो रहा है, बस एक दो भजन और सबके रिक्वेस्ट पे गाए जा रहे हैं। तो अभी कन्हैया जी का भजन गाया है और अब बस आरती शुरू हो जाएगी एंड देन फिर कीर्तन खत्म हो जाएगा, जगराता खत्म हो जाएगा। आरती खत्म, बस सब कुछ समेट रहे हैं और जो मेहमान थे वो भी सब एक एक करके जाने, बिकॉज आज अष्टमी है तो किसी की पूजा है तो कोई तो भोग के लिए भी नहीं रुक रहा है, जस्ट बिकॉज की अष्टमी है, किसी की नवरात्रा है, कुछ है, तो बस ये चाय सर्व हो रही है। बाकी सब ऐसे बैठ के बातें कर रहे हैं, यहीं पे खड़े हैं, मामी जी हैं, दीदी है, नानी है, पापा है, हम सब जो घर घर के हैं वही हैं। और बस अब पीछे का स्टेज भी सिमटने लगा है, पहले सबने दादा और सब ऐसे बातें जी। नहा धो लिया है लेकिन नींद इतनी भरी है आंखों में कि पूछो नहीं, पर अभी भूख लगा है, सब लोग खाना खा रहे हैं बाहर। तो चलो जी, बिल्कुल नींद जैसा माहौल है, सब लोग खाना खा रहे हैं, मेरा तो वैसे भी फास्ट है तो मैंने तो खाना खाना नहीं है, तो मैं जो है अब जा रही हूँ सोने। नित्या थोड़ी देर सोएगी तो सो जाएगी, मनीष ऑलरेडी चले गए, मनीष और बिन्नी चले गए, अब डायरेक्ट हम जब गांव जाएंगे तभी मिलेंगे मनीष से, दो तीन दिन बाद जाऊंगी मैं नित्या के बर्थडे के लिए, अभी अभी रो रही हूँ। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग के साथ में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।